अभी अभी एक बंदा मिला, वो कहता मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। मैंने कहा कहाँ से देख ली भाई आपने वीडियोस, इतनी रीच तो है नहीं मेरी, 300 मेरे सब्सक्राइबर है। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं घर से निकल रहा हूँ, घड़ी नहीं है मेरे पास, 12:30 घर से निकल रहा हूँ। और अभी मैं जाऊँगा अपने दोस्त के यहाँ, अपने स्कूटी उसको दूंगा, उसकी बाइक उठाऊँगा और फिर मैं निकलूँगा एक लॉन्ग राइड के लिए। लॉन्ग नहीं मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटी ही है पर मतलब हाँ मतलब एक दिन की राइड होगी, मतलब मैं जाऊँगा और शाम तक आ जाऊँगा। सर सर एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, अब ठीक जो जो जगह मैं जा रहा हूँ वो अराउंड यहाँ से 70 किलोमीटर, अराउंड 60-70 किलोमीटर दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि स्कूटी पे जाना फीजेबल होगा, तो अभी मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ से उसकी बाइक उठाऊंगा और फिर वहाँ से निकलूँगा। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर बड़ी बड़ी ट्रिप्स मारनी है तो उसके लिए पहले छोटी छोटी ट्रिप्स हमें कवर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम बड़ी ट्रिप्स मार पाएंगे। तो मतलब इनकी हमें आदतें डालनी पड़ेंगी। सो दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू डू, कि मतलब अभी मैं छोटी ट्रिप्स मार के थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल करूँ, जिससे कि अगर मैं लॉन्ग ट्रिप्स मारूँ बाइक्स पे तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। A few moments later कि यहाँ गया और वहाँ से अभी मैंने अपनी स्कूटी दे के मैंने बाइक ले ली है, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा दूर है तो स्कूटी से मैं नहीं जा पाऊँगा, तो आई प्रेफर गोइंग विद द बाइक। एक्चुअली मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाने वाला था, पर वही दोस्त है वरुण जो आपने पिछले व्लॉग में ऋषिकेश जब हम गए थे जब देखा था, तो वो दोस्त भी मेरे साथ जाने वाला था, पर एक्चुअली उसका कुछ ऑफिस का काम आ गया तो वो नहीं जा पा रहा है। पर तो इसलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ, अकेला तो नहीं जा रहा हूँ, मतलब और एक सवारी है जो हमको रास्ते में उठानी है। अभी मैं गाज़ियाबाद के से जा रहा हूँ नोएडा की तरफ, नोएडा से फिर हम अक्षरधाम होते हुए निकलेंगे। तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि टाइटल में देख के वैसे भी आपको पता लग ही जाना है कि कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ दमदमा लेक, दैट इज़ इन गुड़गांव, वो जो कि अराउंड यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो दिस इज़ इट इज़ मतलब ऑलमोस्ट द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हरियाणा। और वहाँ पे काफ़ी एक दो एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो हम वहाँ पे जाके देखेंगे, जितना मैंने गूगल पे देखा है अभी, और तो आगे वहीं जाके ही पता चलेगा। वेटिंग फॉर समवन टू जॉइन मी ड्यूरिंग दिस ट्रिप, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी गलत डिसीजन है, अगली बार से कभी नहीं होगा। मुझे लगता है अब मुझे पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, क्योंकि ये जर में लग कितना, मुझे लगता है अराउंड 300 का पेट्रोल या 250 या 300 का पेट्रोल लेना होगा, क्योंकि अराउंड 150 किलोमीटर पड़ेगा आना जाना। सो आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ। पेट्रोल डल गया है, सारे काम हो चुके हैं, आई थिंक अब हमको स्पीड में थोड़ा भागना चाहिए, क्योंकि अराउंड 2 बज चुके हैं। हम निकलेंगे फरीदाबाद की तरफ एंड प्लान में थोड़ा चेंज आया, क्योंकि हम अब फरीदाबाद होके जा रहे हैं। अरे सूरज ने दर्शन दिए भाई साहब, आज तो सूरज ने निकलने का नाम ही लिया भाई, ऐसा लग रहा है कि सूरज ने चांद निकला हुआ है। थोड़ी सी धूप हो जाती, इतनी ठंड हो रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि रात, ऐसा लग रहा है रात में ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। सूरज ने भाई साहब आओ थोड़ा बाहर, थोड़ा दर्शन, चंदा मामा बने हुए हैं भाई सूरज तो। अब हम सिटी से थोड़ा दूर आ चुके हैं और ये रास्ता बहुत ही सुंदर लगता, अगर थोड़ी धूप निकली होती तो को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता, पर अभी भी खैर ये कुछ कम सुंदर लग रहा। इस रोड पर सीधा सीधा हम चलते जा रहे हैं। कि थोड़ा सा रुक के मतलब आधे घंटे बाद एक स्टॉप ले लें और वहाँ पे थोड़ा कुछ चाय वाय पी लें, क्योंकि काफ़ी ठंड ठंड लग रही है और मैं अपने जो ग्लव्स और मफलर है सब स्कूटी के अंदर ही भूल के आ गया हूँ, तो मुझे तो वही ठंड लग रही है अब। तो अभी लिया हमने पहला स्टॉप और मैं तो हाथ पैर मेरे पूरे जम चुके, मुझे नहीं पता भाई हाथ के हाथों की हालत एकदम खराब हो गई, इतनी तो हालत ख़राब ऋषिकेश में नहीं हुई थी जितनी हालत ख़राब यहाँ पर हो गई। और अभी हम पहला स्टॉप ने लिया है यहाँ पे थ्रॉटल शॉटल कैफे पे,
ये फोटो कैफे है, यहाँ पे एक से एक बाइक्स आपको दिख जाएंगी। अभी जाते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही है, और थोड़ा सा यहाँ पे अगर अंदर गर्म वर्म रखने का कुछ हो तो वो बहुत बेटर रहेगा। हाँ तो अभी हम यहाँ मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर करेंगे। और ये क्या मतलब यहाँ पे मैंने अपने दोस्त के बुलेट खड़ी करी है, पर मुझे इतना अजीब लग रहा है ना क्योंकि यहाँ पे एक से एक सुपर बाइक्स खड़े हुए हैं, जैसा कि निंजा, डुकाटी, BMW, मतलब क्या नहीं है यहाँ पे। ये तो सिर्फ मोटो कैफे है, उस साइड में वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी है, तो काफ़ी बाइक्स खड़ी हुई हैं जो मैंने आपको दिखाया, उसका मैं थोड़ा सा फुटेज भी आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा छोटे पे रुके हैं, पर यहाँ से अभी अराउंड 40 मिनट्स का रास्ता और है, हम गोल्डन नगर लेके पहुँचने वाला और 40 मिनट्स लगेंगे, 20 किलोमीटर का रास्ता और है। तो बस अभी थोड़ा जल्दी खा पी के निकलते हैं यहाँ से, अभी चाय तो मैंने पी ली और अभी मैंने पास्ता मंगाया, पास्ता खा के मैं यहाँ से निकलूँगा। तू ब्लॉग में नहीं है, या तो ब्लॉग में आओ या तो मत आओ, बकवास मत करो, डिसाइड कर लो पहले। वरना कुछ दिखाई नहीं देने वाला, जितनी ठंड है यहाँ पे, क्या सन निकला नहीं है, सनसेट के नाम पे आज कुछ नहीं मिलने वाला है। सन तो होना चाहिए ना सनसेट होने के लिए, मून निकला हुआ है वो दिख भी नहीं रहा, वाइट वाइट वाइट। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। दिखाता आपको अमीर बाप की बिगड़ी ला दे, एक से एक आठ चार पाँच गाड़ियाँ लेके निकले यहाँ से, सेल्टोस और जीप, ऑडी, जैगुआर एंड सब में से सन कोई सनरूफ से बाहर है, कोई खिड़की से बाहर है, कोई कैसे बाहर है, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ऐसे ही लाइन से एक वो आगे भी बाहर है और सब लाइन से। लिटिल बिट ऑफ रोडिंग हम कर रहे हैं क्योंकि जो सीधा रास्ता है वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए और मना किया है। तो गाइज यहाँ से अरावली हिल्स चालू हो गई है और ये जो हमारी दमदमा लेक है ये अरावली हिल्स के बीच में ये कैविटी क्रिएट हुई है वहाँ पे ही है, तो लगता है ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं हम क्योंकि हम थ्रॉटल शॉटर में बकवास काट रहे थे। वाह क्या व्यू आया है सीधा। यहाँ पे लगाते हैं यार। तो वी हैव रीच्ड दमदमा लेक और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं तो पूरा ठंड में सिकुड़ चुका इतनी देर से, मैं तो थोड़ा गर्मी तो है। अभी एक बंदा मिला, वो कहता मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। मैंने कहाँ से देख ली भाई आपनी वीडियोस, इतनी रीच तो है नहीं मेरी, 300 मेरे सब्सक्राइबर अभी, आपने कहाँ से मेरी वीडियोस देख ली। 300 भी देखो, कर देखा मैंने, आपको भी देखा है और इनको भी देखा है, पता नहीं किनको देखा है, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, पता नहीं किसको कह रहा है किसको देखा है। सही स्पेस है, आप बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं, छोटा मोटा अगर आपको पिकनिक सीन पे आना है तो पिकनिक कर सकते हैं, और ऊपर खाने का भी एक स्टॉप है और यहाँ पे थोड़े बहुत गेम्स है, जैसे मेला सा लगता है वहाँ पे, जैसे गेम्स होते हैं वैसे गेम्स हैं। यहाँ पे कहाँ तक जाऊँगा? वहाँ सामने तक, वहाँ तक 200 रुपये। तो हमारे पास दो चॉइस हैं बोर्डिंग करने के लिए, तो एक तो ये है जिसमें खुद हमें बोर्डिंग करनी है, इसमें तो हम सोच रहे हैं कि इसमें चलते हैं, इस वाली जो इसका रेट 150 है और वो जो खुद वो चलाते हैं उसका रेट 200 है।
तो वी आर टोटली इन द मिडल ऑफ द लेक। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था और मैं अकेला मेहनत करके इसको यहाँ तक ले गया हूँ। आज मेरा लेग का वर्कआउट हो गया है तो इसको चलाना मैं आपको सिखाता हूँ अभी। अगर आपने कभी बोटिंग नहीं की है तो आज मैं यहाँ पे बोटिंग एक्सपर्ट बन चुका हूँ। तो कुछ नहीं करना, आपको साइकिल से पैडल मारने और बस जिस डायरेक्शन में जाना है उससे उल्टी डायरेक्शन में इसके हैंडल घुमा देना है और बस इतना सही काम है। आप प्रो बन जाएंगे, एकदम प्रो। किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, अकेले आप ज़िंदगी की सारी ऊँचाइयाँ छू पाएंगे, अकेले लड़ पाएंगे, अकेले इस लेक में घूम पाएंगे। अकेलापन इज़ द बेस्ट थिंग, मज़े लीजिए ज़िंदगी के, किसी की ज़रूरत नहीं है। स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा हूँ मैं अकेले। यहाँ इतनी बकवास कर रहा हूँ, इतना बड़ा व्लॉग बन जाएगा, इसको एडिट कौन करेगा। यहाँ पे आराम से पूरे तालाब के बीच में मेहनत करके मैं पहुँचा हूँ, पर यहाँ पे यार पहुँच के काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे भाई मुझे अपने। लोगों को पकड़ पकड़ के जी, जैसे ही मैं कैमरा निकालता हूँ तो उनको कहते हैं अच्छा आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, हाँ हाँ, तो नाम बताइए अपना, फिर वो सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि वैसे तो वैसे तो तुम लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं वीडियो देख के, है ना, जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। अब काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पर डोलते हुए, तो अब बहुत मेहनत करके वापस जाना है वहाँ पर। तो चलिए थोड़ी मेहनत करता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ मेहनत के बाद। और एक बार और इस व्यू को आप, जब तक बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा स्मॉग है, मतलब कुछ दिख नहीं पा रहा, मतलब वहाँ पे मुझे लगता है अरावली हिल्स होगी जो हमें दिख भी नहीं रही है। और कैमरे में तो क्या ही दिखेगा जब मुझे ही नहीं दिख रहा ढंग से, तो वरना अगर थोड़ी धूप वूप और स्मॉग थोड़ा कम हो तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। सनसेट तो क्या मैं देखने आया था, सनसेट तो सन का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद बोटिंग से वहाँ गए और यहाँ पे अंदर जाके वहाँ पे एक कैफ़े है, उसमें जाते हैं, बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो अभी मैं नंदगांव साइड में एक रिजॉर्ट है वहाँ पे आया हूँ और काफ़ी यहाँ पे शोरूम मचा हुआ है, पर अभी यहाँ पे आके कुछ खाते पीते हैं, फिर यहाँ से निकलना है। तो सोचा मैं थोड़ी चाय वाय पिए, कुछ खाएँ और फिर यहाँ से फटाफट निकला जाए, क्योंकि अराउंड 6:30 बजे वाले हैं और फिर 2 घंटे घर जाने में लगे, तो 8:30 बजे तक यहाँ पहुँचेगा। तो आई थिंक पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी शोर मचा हुआ है यहाँ पे। पर चाय एंड सैंडविच। चलिए और निकलते हम काफ़ी लेट हो गए हैं और यहाँ से अब हमको बहुत ही भयानक ठंड लगने वाली है आधे सारे रास्ते में। हम पता नहीं अब क्या हालत होगी। तो गाइस आई जस्ट रीच होम, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अभी एकदम वाइब्रेशन मिला हूँ। अराउंड 150 किलोमीटर आज मैंने बाइक चलाई है, 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना। दिस वॉज एक्चुअली, मतलब मैं जब ऋषिकेश गया था जब भी टोटल 250 चलाई थी एक दिन में, और आज भी मतलब 150 मैंने कवर कर लिया। तो इस व्लॉग कहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अभी बेड पे फैलने वाला हूँ, अपनी कमर सीधी करूँगा, अपनी गर्दन सीधी करूँगा, मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। मैं कंबल में घुसने वाला हूँ और नहीं उठने वाला कल सुबह तक, तो मैं बस जाके पढ़ने वाला हूँ। सो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। कुछ प्लान चल रहे हैं। सो कीप कनेक्टेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड इस चैनल को सपोर्ट करें। सो कीप लर्निंग एंड कीप लविंग, बाय बाय एंड सी या। अरे भैया थक गए भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी।